महमूद कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं हुआ, या परवेज इलाही साहब के साथ क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार तो आप भी हुए थे सर। दहशतगर्दी का आर्मी एक्ट सीक्रेट एक्ट वगैरह लगा, दहशतगर्दी की अदालत में अदम सबूत की बुनियाद पे 9 मई का मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद जब और कुछ नहीं मिला तो करप्शन केसेस में 50-60 दिन अंदर किया। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि जो जो गायब हो रहा है सिर्फ वही पार्टी छोड़ रहा है। अली साहब, कोर कमेटी इस मामले पर गौर कर रही है कि डोनाल्ड डू के खिलाफ अमेरिका में केस किया जाए? तर्जुमान बैठो मेरे से पूछ लें, पार्टी पॉलिसी क्या है? पार्टी पॉलिसी ये है कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिले। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी, आप अभी भी मानते हैं कि आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है सर? देखें, सुपर पावर का एतमाद अभी हमारे खिलाफ जमा भी नहीं हुई थी, और वहाँ डेविड लू साहब जो हैं वो असद मजीद साहब को कह रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो ये होगा और होगी। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की बहन मिलकर आई, मुलाकात करके आई, कह रही हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका जाएंगी डोनाल्ड डू के खिलाफ पार्टी उनके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इलेक्शन में बहुत कम वक्त रह गया है मगर अभी तक पीटीआई के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। आज पीटीआई के अली हवान भी बाजियाब होने के बाद पीटीआई छोड़ गए। इस पर पीटीआई के सीनियर रुकन अली मोहम्मद खान ने अली मोहम्मद नवाज़ के पीटीआई छोड़ने के हवाले से तहलका खेज इंकशाफात कर दिए। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। खड़ी हुई अली साहब, अली नवाज आवान साहब आज पीटीआई का साथ छोड़ गए हैं सर। ऑब्वियसली आप यही कहेंगे कि उन्हें मजबूर किया गया, तो सर अगर उन्हें मजबूर किया गया तो फिर ये बता दीजिए कि आप समेत शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब, इन्हें क्यों किसी ने मजबूर नहीं किया? अली नवाज आवान मेरा भाई है, मेरा हम नाम भी है, और मैं उसको उस टाइम से जानता हूँ जब वो एमएनए नहीं थे और यहाँ काउंसलर थे। वर्कर आदमी है, नीचे से ऊपर आया है, मेहनती आदमी है, और कुछ दिन कबल तक हमारे साथ हमारी मीटिंग में शरीक होते थे, फिर अचानक वो गायब हो गए और अब नमूदार हुए हैं ये आईपीपी में। तो अब कितना ये आज़ादी से उनका फैसला है ये तो सबके सामने आया है, क्योंकि उनका वीडियो पैगाम भी नशर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जब कभी आज़ादी होगी, जब कभी वो बात खुली कर सकेंगे तब इस पर कमेंट करेंगे। इस वक्त तो हम अफसोस ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में सियासी कारकुनान का अगवा जारी है, और अफसोस की बात ये भी है कि वो निकल निकल के आईपीपी के वहाँ निकल रहे हैं। ये सवाल उठता है जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब पे कि ये कैसे हो रहा है कि मगवी लोग गायब होते हैं और आपकी तरफ निकल आते हैं, ये तो सियासत से ज्यादा अब एक कानूनी मसला। सवाल सवाल मेरा, मैंने यही पूछा था ना कि वो आपके साथ क्यों नहीं हुआ, या शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं हुआ, या परवेज इलाही साहब के साथ क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तार तो आप भी हुए थे सर। देखिए, मेरे ख्याल में शायद हमारी बचत इसमें हो गई थी कि हम एक लीगल प्रोसेस के अंदर एंटर हो गए अल्लाह के करम से। आप जेल में चले जाते हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर बन जाते हैं, फिर जाहिर है वो तकलीफ और सोबत से तो गुजरे। शाह जी की तो अभी तक तकलीफ गुजर रही है, वो तो अभी तक जेल में है। इनका कुछ दोस्तों का मसला कुछ और रहा, क्योंकि जब जेल में आप नहीं होते, आप एक लीगल प्रोसेस में आप एंटर नहीं हो पाते और आप गायब हो जाते हैं तो पता नहीं फिर आप कहाँ हो। तो ये जो आपने देखा होगा, हमारे बहुत से खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग, पंजाब से कुछ हमारी लीडरशिप जो जेलों में गई है, अदालतों के कवर के नीचे जब अदालत हुक्म देती है आप निकल आते हैं। जैसे मेरा केस था, स्पेसिफिक अपनी बात करूंगा कि मेरे पे दहशतगर्दी का आर्मी एक्ट सीक्रेट एक्ट वगैरह लगा, दहशतगर्दी की अदालत में अदम सबूत की बुनियाद पे 9 मई का मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद जब और कुछ नहीं मिला तो करप्शन केसेस में 50-60 दिन अंदर किया, बड़ी ईद भी उधर गुजर गई। बहरहाल हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म से निकल आया। जी, जी, इन लोगों को बेचारों को ये सर, हासिल नहीं हो सका। पहले, और इसी वजह से पीटीआई के साथ थे, कुछ दिनों पहले उन्होंने ओहदा छोड़ा। इसी वजह से जो है, और किरण साहबा, इसी वजह से हमारे मेंबर्स इंक्लूडिंग अली नवाज आवान साहब की भी कोशिश ये थी कि वो अपने आप को अदालत के सपोर्ट करें और अपना एक लीगल बैटल करें, लेकिन बदकिस्मती से वो मौका उनको नहीं मिल सका। नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना कि जो जो गायब हो रहा है सिर्फ वही पार्टी छोड़ रहा है। असद उमर साहब, इन्होंने पहले ओहदा छोड़ा, फिर कुछ अरसे के बाद पार्टी भी छोड़ दी सर। तो कमजोरी सिर्फ ये तो नहीं है ना कि गिरफ्तार हो रहे हैं उसके बाद पार्टी छोड़ रहे हैं, कमजोरी अंदर ही पार्टी में कहीं ना कहीं है ना सर, पॉलिसी का इशू है ना सर। खान साहब अभी तक अपने उसी मौकफ पर और उसी तर्ज अमल पर कायम है, हो सकता है ये भी मसला हो सर लोगों का छोड़कर जाना। लेकिन बड़ा बड़ा नामुनासिब होगा कि मैं अपनी पार्टी के वो दोस्त जो कुछ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल एहतराम, जैसे असद उमर साहब तो मेरे बहुत ही काबिल एहतराम दोस्तों में से और सीनियर्स में से थे, मैं उन पर यहाँ पे बैठ के नेगेटिव कमेंट्स करूँ बड़ा ही नामुनासिब और यू नो अनजेंटलमैनली लगता है। हर आदमी की एक कुव्वत बर्दाश्त होती है, करप्शन का कोई एक केस नहीं है, तो ऐसे लोगों का सियासत से दूर होना
आप किरण बीबी क्या नहीं समझती, आप तो खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं समझती कि हमारी सियासत के लिए अच्छा नहीं है? खान साहब, अगर आप ये मान रहे हैं कि असद उमर साहब पढ़े लिखे इंसान थे, सुलझे हुए इंसान है, तो फिर आप ये भी माने ना कि वो जो कह रहे हैं कि वो इमरान खान को रोकते रहे, इदारों से टकराव से वो इमरान खान साहब को रोकते रहे, वो इस तरह सियासत से इमरान खान साहब को रोकते रहे, लेकिन इमरान खान साहब टकराव की सूरत हाल की तरफ ही आगे बढ़ते रहे? नहीं नहीं, मैं इस बात को भी माने, मुझे इस पे कहने दीजिए, मुझे इस पे जवाब देने दीजिए। देखिए, असद साहब किसी प्रेशर में या मुश्किल में या मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझसे शेयर नहीं किया ये बात, लेकिन जिस भी वजह से वो गए हैं, लेकिन इस बात से मैं नहीं एग्री करता कि इदारों से टकराव की कोई सियासत थी। और अगर ऐसी कोई बात खुदा ना खास्ता होती तो मुनासिब वक्त फिर वो था कि जब कुछ भी नहीं हुआ था फिर आप छोड़ देते। तो मैं उनके बारे में, असद भाई के बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, अपनी जमात की बात करूँगा कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की किसी इदारे से, और लेट्स बी वेरी क्लियर, किसी भी इदारे से किसी टकराव की कोई सियासत नहीं थी। उस दिन एहतजाज हुआ, एहतजाज में कुछ लोग प्रॉपर जगहों पर एहतजाज किया, कुछ लोगों ने जज्बाती होकर गलत जगहों पे गए। आपकी पार्टी के हैं, हर तरह का इस्तिस्ना उनको हासिल है, लेकिन वो भी ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर तो वो कुछ कर सकते हैं लेकिन ख्वाहिशात को लेकर नहीं आगे बढ़ सकते हैं, वो ख्वाहिशात पर अमल नहीं कर सकते हैं वो। तो सर, उनको भी कोई ना कोई मसाइल और कोई ना कोई खदशात तो है ना, तभी वो ये बात कर रहे हैं। पार्टी पॉलिसी से पार्टी का तर्जुमान बैठो मेरे से पूछने, पार्टी पॉलिसी क्या है? पार्टी पॉलिसी ये है कि आजाद शफाफ इलेक्शन हो और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिले। अगर मुस्लिम लीग नून का कोई भाई हमारा जलसा कर रहा है या पीपल पार्टी का कोई वर्कर कर रहा है, मेरे भी कारकुन को हक हासिल है, वो भी पंजाब में कंपेन करें, वो भी जलसा करें। देखिए, खान साहब की बड़ी क्लियर डिमांड है, वो क्या है? लेवल प्लेइंग फील्ड हो, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं, जो पॉलिटिकल इल्जामात हैं, उस पे उनको ओपन ट्रायल मिले। सर, आपने मुझसे एक सवाल किया, मैंने उस पर आपसे सवाल किया, आपने मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया, इस बात का फैसला कौन करेगा सर, कि मैं खुद गई हूँ या जबरदस्ती भेजी गई हूँ? देखिए, ये फैसला आवाम करेगी, ये फैसला वक्त करेगा, और ये फैसला आपको कॉमन सेंस करेगा कि एक शख्स है, वो एक जमात के साथ है, वो खुशी से उसके साथ है, अचानक वो गायब हो जाता है, फिर कहीं और से नमूदार हो जाता है। डू यू थिंक इट्स नेचुरल? जी अच्छा, मुझे बताएं कि आप अभी भी मानते हैं कि आपकी हुकूमत अमरीका ने गिराई है? सर देखें, सुपर पावर की तरफ से क्लियर डायरेक्शन कि इस शख्स को अगर हटा दिया जाए, इमरान खान साहब कि अगर उनको हटा दिया जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज फिर मामला सख्त हो जाएंगे। और अच्छा, एक दो इसमें दो मीटिंग्स होती हैं, एक इमरान खान वजीर आजम के नीचे जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है कि डिमार्श करें, और ये ब्लेड कंटिन्यू खुलम खुला मुदाखलत है, और उसके बाद 15-20 दिन के अंदर ये मानती है कि ये डायरेक्शंस अमेरिका की तरफ से आई है। सवाल करके जवाब नहीं सुनती आप, सवाल करके जवाब नहीं सुनती। मुझे कहने दीजिए कि अगर हम ये मान लें कि वजीर आजम इमरान खान के नीचे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कोई हेरा फेरी की, तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब के नीचे भी वही नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हुई, उसमें फर्क ये था कि शहबाज साहब खान साहब की जगह आ गए और वहीं मिलिट्री लीडरशिप वहीं मौजूद थी। उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इस एलानिए की तौसीक की कि हाँ, ब्लेट इंटरफेरेंस है और डिमार्च होना चाहिए। तो जब एक बड़ी ताकत इंटरफेरेंस करती है तो कुछ ना कुछ रिजल्ट उसका निकलता है ना जी। सही, अब मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, यानी कि अभी भी आप लोग इसी मौकफ पे कायम हैं जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बात अब पीछे रह गई है, आज भी आप लोग उसी मौकफ पे कायम है कि आपकी हुकूमत अमरीका ने गिराई है? क्लियर, देखिए स्टार्ट तो वहां से हुआ ना। देखिए, उन दिनों में जब आप थोड़ा सा फ्लैश बैक में चली जाए, आपकी याददाश्त मेरे से भी तेज है और शायद बादाम भी खाती होंगी, कि जब वो हमारे मामला हो रहे थे, जब अदम एतमाद आ रहा था, एक बड़ी अजीब बात, देखिए जब अभी अदम एतमाद नहीं आया था, वो डेट्स आपको मैं बता दूंगा, तो जी जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मेन लोगों को भी नहीं पता था, अदम एतमाद अभी हमारे खिलाफ जमा भी नहीं हुई थी, और वहां डेविड लू साहब जो हैं वो असद मजीद साहब को कह रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई तो ये होगा और अगर होगी तो वो होगा। जब पाकिस्तान में अभी अपोजिशन ने अदम एतमाद जमा भी नहीं की थी, वहां कैसे उनको पता लग गया? तो कुछ तो था। अच्छा, तो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की बहन मिलके आई, मुलाकात करके आई, कह रही हैं पाकिस्तान में इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो अमेरिका जाएंगी डोनाल्ड लू के खिलाफ, पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है इस फैसले पर? आप लोग जाएंगे? उनकी बहन है, उनका अपने भाई से एक जज्बाती लगाव है और इसलिए वो उस पर बात करती हैं, और जो उन्होंने ये बात रखी है उसको कोर कमेटी देखेगी और उसके बाद एक मुनासिब फैसला इस पर करेगी। जो हो सकेगा इमरान खान साहब की रिलीज के लिए, कोर कमेटी जो है उसमें कोई भी किसी किस्म की लिए तो लाल नहीं की जाएगी। बाहर अमरीका जाके उस पर केस करना है, उसके बारे में अभी कोर कमेटी ने कोई फैसला नहीं किया। अली साहब, कोर कमेटी इस मामले पर गौर कर रही है कि डोनाल्ड लू के खिलाफ अमरीका में केस किया जाए?
लेकिन अभी तक जो पिछली कोर कमेटी हुई है उसमें तो अभी ये जेरे बहस नहीं आया, हो सकता है कल वाली में आ जाए या जो भी अभी मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक कोर कमेटी में इसको डिस्कस नहीं किया। नाज़रीन, ये तो एक हकीकत है कि पहले पीटीआई के रुकन असेंबली अगवा होते हैं और कुछ दिन उनकी खातिर तवाजा करके उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है और फिर इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी में ज्वाइन कराया जाता है। अली मोहम्मद खान ने बिल्कुल ठीक कहा कि हम गिरफ्तार हुए मगर हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें अदालतों में पेश कर दिया गया और हम लीगल प्रोसेस के जरिए रहा हो गए क्योंकि हम पर किसी किस्म का कोई जुर्म साबित ना हो सका, मगर अब तो अगवा करके पार्टियां चेंज कराई जा रही हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।